नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों ने तो हमारा स्वागत किया ही, साथ में हमारा स्वागत किया शिमला के इस ट्रैफिक ने। जी हाँ, भरपूर ट्रैफिक सोमवार का दिन। जी हाँ, लव शिमला तो है पर ट्रैफिक थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ पर। दोस्तों, हमें मशोबरा से लेकर शिमला तक पहुँचने में लग गए पूरे 2 घंटे। नाश्ते के लिए निकले थे लेकिन करीबन पहुँचे हम यहाँ पर 11:30-11:45 बजे। भूख के मारे बुरा हाल। लिफ्ट से तो पता ही होगा आपको कि मॉल रोड पर जाना पड़ता है, तो हम लिफ्ट में चले और हमारी हालत थी ख़राब भूख से। बस अब लिफ्ट के अंदर से निकले बाहर और मॉल रोड पर चलते चलते तो यहाँ का एक सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, इंडिया कॉफ़ी हाउस, वहाँ पर हम पहुँच गए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है मॉल रोड पर, सिंस 1957। और सुना है यहाँ की डिशेज़, यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो हमने भी बस सोचा कि अब भूख बहुत लगी है, कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं, कहीं घूमना नहीं, पहले खाएंगे नाश्ता। जी हाँ, 12 बज गए। आप इमेजिन कर सकते हैं भूख के मारे क्या हाल होगा हम सबका। तो बस फटाफट ऑर्डर किया हमने, जो चीज़ें जल्दी आ जाएं, पनीर पकोड़ा और नन्हे मुन्ने साथी ने मंगाई अपनी वेज हाका नूडल्स। बच्चे तो बस कहीं भी जाएं नूडल्स नहीं छोड़ते। हमने शुरू किया पनीर पकोड़ा पर अटैक और लता जी को करारा क्रिस्पी पनीर पकोड़ा बहुत पसंद आया। अंदर अंदर पतले पतले स्लाइसेस थे पनीर के, सिंपल सी बेसन की कोटिंग और साथ में सॉस और चिली सॉस। मटन कटलेट भी खूब थी यहाँ की, बड़ी ही स्वादिष्ट। बस पास में पड़ी है, खाएँगे अभी। अरे हम भी नूडल्स क्यों छोड़े, टेस्ट तो करना बनता ही है। पर दोस्तों फ्रैंकली बताएं, हमें यहाँ के नूडल्स कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत ही मिलनसार, बहुत ही वार्म और बहुत ही प्यारे लोग। बस अब आई बारी कॉफ़ी की। गर्मा गर्म इंडियन कॉफ़ी हाउस है तो कॉफ़ी पिए बिना कैसे जा सकते हैं। कॉफ़ी भी मज़ेदार, बिल्कुल पहाड़ी फ्लेवर कॉफ़ी के अंदर भी। अब ये आया इंडिया की धरती पर फ्रांस का टोस्ट। जी हाँ, फ्रेंच टोस्ट। मीठा बिल्कुल सही, दूध की मात्रा, अंडे की मात्रा, सब कुछ बिल्कुल सही। कॉफ़ी के साथ एक बढ़िया अकम्पनीमेंट। फ्रेंच टोस्ट एंड कॉफ़ी मिल जाए ना, इतनी भूख के बाद तो क्या कहने। बस निकले बाहर, चेहरे पर मुस्कुराहट तो आनी थी दोस्तों। अब खूब खा लिया हमने। अब सोचा कि लंच भी करना है कुछ देर बाद, तो बस थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, इस बढ़िया से नाश्ते को हज़म करते हैं। देखा हमने खूबसूरत क्राइस्ट चर्च, जो बिल्कुल रिच के ऊपर ही है। अंदर इतनी शांति, इतनी पीस की आपको क्या बताएं। बस नन्हे मुन्ने साथी को भी चर्च बहुत पसंद आया, इसको थोड़ी बहुत बातें समझाई। और बाहर हमारा तिरंगा, जी हाँ, लहराता हुआ पहाड़ों में इतना खूबसूरत लग रहा था कि आपको क्या बताएं। उसके बाद हम पहुंचे गेटी थिएटर। ये भी बहुत ही पुराना थिएटर है और हमने सुना है कि यहाँ पर एक ज़माने में प्लेज ड्रामास काफ़ी हुआ करते थे। अब इसके एक सेक्शन को आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमने भी कहा चलिए इन आर्टिस्ट की थोड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स देखी जाएँ। पहुँच गए हम आर्ट गैलरी के अंदर, बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स और हर पेंटिंग के नीचे उसके आर्टिस्ट का नाम, उसका थोड़ा इतिहास, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी, गेटी थिएटर। और बाहर निकल के दिख गए बुड्ढी के बाल। जी हाँ, कैंडी फ्लॉस हर बच्चे की पसंद। लेकिन हमने बुड्ढी के बाल खाए नहीं क्योंकि पेट काफ़ी भरा हुआ था। और ये है लक्कड़ बाज़ार के नज़ारे। लक्कड़ बाज़ार बहुत ही फेमस है अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो मेरे ख्याल से हाथ से बनाई गई होती हैं। और बहुत ही पुराना बाज़ार है यहाँ पर, लेकिन अब लकड़ी की दुकानें कुछ कम ही हो गई हैं और खाने पीने की दुकानें ज़्यादा हो गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लक्कड़ बाज़ार गए और खा रहे हैं आइसक्रीम, मज़ा ले रहे हैं गर्मी में। जी हाँ, धूप काफ़ी थी उस दिन और गर्मी में सॉफ्टी खाने का मज़ा ही कुछ और। पेट तो गया था भर, लेकिन जहाँ खाना दिख जाए हम रुक जाते हैं। अलग अलग प्रकार के स्नैक्स बिक रहे थे लक्कड़ बाज़ार में, जैसे कि टिक्कियाँ, चाट, ये हॉट डॉग और बहुत सारी चीज़ें, नमकीन वगैरह, बहुत कुछ था। लेकिन खाने का कुछ मन नहीं था क्योंकि पेट गया था भर। लेकिन जब बीवी साथ हो और बच्चे साथ में हों तो शॉपिंग से पेट नहीं जाता भर। तो हमारे नन्हे मुन्ने साथी को अपने कज़न्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। छोटे से की चेन लिए, उसके ऊपर उनका नाम इंस्क्राइब करवाया और कुछ गिराते पढ़ाते हुए चीज़ें खरीदी। तो नन्हे मुन्ने साथी हैं खुश और चीज़ें देखकर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये कितने पुराने कारीगरों ने ये चीज़ें बनाई हैं। बस अब भैया मेन काम आ गया हमारा, खाना। भूख लग गई थी, 3-4 घंटे हो गए थे नाश्ता किए हुए। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, आशियाना रेस्टोरेंट, जो हमने सुना था कि अपने हिमाचली खाने के लिए और बाकी इंडियन डिशेस के लिए भी बहुत ही पॉपुलर है। तो हम क्यों छोड़ें, इतनी दूर आए हैं, भूख लगे या ना लगे, खाना तो हम चक्कर जाएंगे ज़रूर। और अगर बच गया तो पैक कर ले जाएंगे ज़रूर। बदाना है, बदाना मतलब मीठा, मीठा। ओके, बदाने का मीठा। ये खेरू, खेरू मतलब किस चीज़ का ऑर्डर करना चाहते हैं? कड़ी जैसा मतलब, कड़ी है, खेरू बोलते हैं। ओके, ये सेव बड़ी सर जैसे उड़द दाल की बड़ी होती है। अच्छा, उड़द दाल की बड़ी, साग बड़ी समझ लीजिए, जैसे स्पिनच साग बड़ी है, उसके अंदर बड़ी है, स्पिनच की ग्रेवी में बड़ी है। और ये वाइट चना होता है, चना बंगाल ग्राम। अच्छा, वाइट ग्रेवी और कर्ड लगाते हैं, ग्रेवी और कर्ड, वाइट ग्रेवी और कर्ड, चना मुद्रा, चना मुद्रा। और ये सर आपका कर्ड, अपना पम्पकिन की सब्जी, कद्दू की, कद्दू की पूड़ियाँ हो गई, अचार हो गया, और क्या चाहिए? और ये हो गया छामीट। तो खाओ दोस्तों, चलिए आपको चक्कर बताते हैं हिमाचली थाली। सबसे पहले हमने टेस्ट की कड़ी। क्या कमाल की कड़ी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खट्टी खट्टी, और जितनी खट्टी होनी चाहिए बिल्कुल उतनी। और ये साग वड़ी की सब्ज़ी या पालक वड़ी की सब्ज़ी कहिए, ये भी बहुत कमाल की, इतनी अच्छी कि आपको क्या बताएं। एकदम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हर चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। और ये खाना, हिमाचली खाना काफ़ी पंजाबी खाने से मिलता जुलता है, मसाले वगैरह, और ये एक अलग सी चीज़ थी। सफ़ेद चने, मतलब इस वाइट ग्रेवी में तो हमने कभी नहीं खाए बस, बट ग्रेवी बड़ी ही स्वाद थी मेरे ख्याल से। इसमें काजू पड़े हुए थे, दही था, काफ़ी अच्छी, काफ़ी टेस्टी, माइल्डली फ्लेवर। और सबसे हिट था कद्दू, यानी कि हमारा प्यारा सीधा साधा पम्पकिन। या चलो वेजिटेरियन खाना बहुत टेस्ट कर लिया, अब ज़रा छा मीट खाकर भी टेस्ट करें। छा मीट, जी हाँ दोस्तों, छाछ के साथ बना हुआ, बेसन पड़ता है, गरम मसाले पड़ते हैं इसके अंदर। इसकी रेसिपी बहुत जल्द हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने चैनल पर। बहुत ही कमाल का छा मीट था। इनफैक्ट मैंने उस दिन खाकर लता जी को कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट मटन डिशेज़ हैं जो मैंने खाई हो। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। भूख बिल्कुल नहीं थी जी, देखिए रोटी नहीं मंगाई, लेकिन जब छा मीट स्वाद लगा तो हमने कहा भैया तंदूरी रोटी भी आने दीजिए। तो लता जी भी टेस्ट कर रही हैं हिमाचली थाली, उनको भी बहुत पसंद आई। 3 उंगलियां उठ गई और साथ में 3 हरी मिर्चें भी हैं, अचार, पूड़ियाँ, चावल, वाह वाह वाह, अच्छा कॉम्बिनेशन। और कमाल की थाली, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी और स्वाद में अति उत्तम। नन्हे मुन्ने साथी को ध्यान है बाहर घूमने पर, लेकिन हमारा ध्यान है खाने पर। तो बस खाने का हमने लिया मज़ा, और आशियाना रेस्टोरेंट को हम याद ज़रूर रखेंगे और आपको भी एडवाइस करेंगे, अगर आप कभी मॉल रोड गए, शिमला गए, तो आशियाना में जाकर खाना ज़रूर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आई मीठे की बारी, यानी कि बदाना। बदाना मीठा मीठा, बहुत ही स्वाद था, हिमाचली फ्लेवर से भरपूर, लेकिन मीठा कुछ ज़्यादा था इसके अंदर। क्यों ना हो, लोग भी इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने वाव में, तो जाहिर है उनका खाना भी वैसा ही होगा। तो भैया छा मीठ हिमाचली थाली के बाद इतनी अच्छी स्वीट डिश मिल जाए तो उसका क्या कहना। तो बदाने का लिया मज़ा, हिमाचली खाने का लिया मज़ा, शिमला के मॉल रोड का लिया मज़ा, और ये यादें लेकर हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। दोस्तों अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी हम आपके सामने आएंगे। तब तक बस खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।